बीजावर के ग्राम भरगुवा में गणेश विसर्जन के दौरान एक युवक के तालाब में डूबने की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी युवक की तलाश में जुट गए। कल शाम लगभग 4 बजे गणेश विसर्जन के लिए तालाब पर गए ग्रामीण युवक के डूबने की सूचना मिली, लेकिन तालाब में गोताखोरों की कड़ी मेहनत के बाद भी अब तक युवक का शव नहीं मिल पाया है। युवक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। उनका कहना है कि जो लोग गणेश विसर्जन के दौरान साथ में थे, उन्होंने परिजनों को इसकी कोई जानकारी नहीं दी, बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों के मौके पर पहुंचने के बाद ही उन्हें जानकारी मिली। पुलिस प्रशासन युवक की तलाश के साथ ही सभी पहलुओं में जांच में जुटी हुई है। गणेश विसर्जन के लिए आया 4 बजे, तो जब 6 लोग थे, 6 लोग में सीताराम, अरविंद, कलू, राजेंद्र और सुनील, 10 दसेंद जी जी। इसमें से सीताराम को इन लोगों ने आगे लुभा जाके डूब दिया है, तो इन लोगों ने वो पकड़ा अकड़ा के या उसको छोड़ के ये भागे। तो मेरा भतीजा पुष्पेंद्र ने किया है कि हमारा सीताराम कहाँ है, बोले तुम्हारा सीताराम निकल के पुराने वाले घर चला गया, यहाँ पर कोई नहीं है। तो उसको विश्वास हो गया, उसने पूछा पे भाग गया। जे लोग घर पहुँचे, घरे ने सलाह बांध के पुलिस में गए, पुलिस से ने सियाड़ी बनाया, पुलिस आई यहाँ और तहसीलदार आया, और जिसका मृतक के घर को 4 बजे से 7 बजे पता लगा है। क्या मानते हैं अब क्या हुआ होगा? कि इसलिए इन लोगों ने सलाह बांध के उसको डुबा दिया है, नहीं तो हम लोगों को कोई जानकारी नहीं दी। मामला है कल 7 बजे हमें सूचना मिली थी कि एक सीताराम राय नाम का लड़का, लगभग 18 साल उम्र इसकी, गणेश विसर्जन करने गए थे तालाब में, भरगुवा तालाब में, लौट के नहीं आया है। कल से ही हम लोग ढूंढ रहे हैं, कल से मतलब यहाँ गांव के लोगों के सहयोग से और रेस्क्यू टीम आ गई है छतरपुर से, कमांडेंट साहब भी सभी लोग आ गए हैं। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तालाब बड़ा है, कई स्थानों पर गहरा है, आशा है बहुत जल्दी बच्चा मिल जाएगा।